जम्मू पुंछ से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता से विश्वासघात करने का दावा किया है। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के दौरान जेके अपडेट से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, सर आप जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर कर चुके हैं, आपको क्या लग रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली नुमाइंदगी और जो उन्होंने लोगों ने वादे यहाँ पे किए थे लोगों को से वोट लेके, 15 लाख की बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सरहदों में रहने वाले लोगों के लिए 5 मरले के प्लाट, बंकर की सुविधा, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बातें यहाँ पे करते थे जो यहाँ पे लोगों को देखने के लिए नहीं मिले, और एक्सेसिबिलिटी नुमाइंदों की भी यहाँ पे नहीं रही। मैं समझता हूँ कि पूरी सरहद बॉर्डर बेल्ट कवर कर हम लोगों ने की, लोगों में गुस्सा है इनके प्रति कि कहीं पर भी अपने जो वादे किए थे उसको ये पूरा नहीं कर पाए, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के सिटीजनशिप की बातें करें और चाहे किसी और दीगर के वादे की जाति खत्म करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर पाएंगे, और आए दिन जो इन लोगों की खामोशी यहाँ पर रही, आतंकवाद चरण सीमा पर पहुँचता रहा, शहादत का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता रहा, केंद्र की कहीं पर नीति दिखाई नहीं दी और सीज फायर वायलेशन 5,000 से ज़्यादा बार हो गई, जो अपने आप में मिसाल है कि ये सरकार भाजपा के लोग जो है वो विफल रहे इस हालात को देखते हुए। सर ये कहते हैं विकास, जितना विकास हमने करवाया इतना किसी ने नहीं कराया, आपने इतने एरियाज कवर किए हैं, आपको कहीं विकास नजर आया? बिल्कुल कहीं पे विकास नहीं देखा। जहाँ पे फ्लड के माध्यम से पुल टूटे थे तो पुल टूटे हैं, आप राय सियोट की सड़क दे लिए, इंटरनल रोड नेटवर्क दे दिए, जहाँ पे 1 घंटा लगता था अब वहाँ पे 3 घंटे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज करके रख दिया, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर दी। कांग्रेस ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए थे डोर स्टेप पर मदद करने के लिए, ये लोग तो जब सेक्रेटरेट जम्मू से कश्मीर जाए तो सारा जितने भी नुमाइंदे थे सारे कश्मीर में और सेक्रेटरेट को ताले लगे होते थे, जम्मू के लोग आवाज़ किसके सामने बुलंद करें? ताकि कोई पहले भी वक्त था, हम लोग भी कोलिशन में रहे, सरकार जाती थी तो पीछे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे बैठ के लोगों की परेशानी को सुना करता था, आज कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज किया गया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो ये अपने आप में शर्म की बात थी कि कहाँ पर ये लोग मैटर करते हैं, इनकी नीति क्या है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये अंबानी और डांडी तक ये नुमाइंदे यहाँ पे रहे और बेसिक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर की लैंड एंडर प्रॉब्लम को प्रॉपर तौर पे रिस्टोर नहीं कर पाए, जिससे टूरिज्म को धक्का पहुँचा, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर पीछे गया। आज जम्मू के बड़े प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल लेक देखो बंद पड़ी है, जम्मू के बड़े बड़े नालों का प्रोजेक्ट जो हमने इरा के तहत लाया था, ये इरा के तहत कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, जम्मू शहर में फ्लाईओवर बनने थे, ना कुंजवानी फ्लाईओवर, ना सैनिक कॉलोनी के बाहर ग्रेटर क्लाश फ्लाईओवर, ना रिहाड़ी चुंगी में फ्लाईओवर, जजेस को आदेश देना पड़ता है भी आप फास्ट टाइप के प्रपोजल लाओ, तो जहाँ पर ये विफल हो तब फिर अनबल कोर्ट इंटरवीन करती है, ये दर्शाता है ये विफल होकर रह गए। सर अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी मुंबई में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, जहां राज्यपाल के एडवाइज़र थे, वहां पे वो जिस मंच पर बैठे थे उसके पीछे लिखा हुआ था कश्मीर कॉलिंग, मतलब जम्मू में क्या ऐसे पर्यटन स्थल नहीं है या बड़े पर्यटक स्थल है? ये तो जम्मू के भेदभाव खत्म करने के लिए आए थे, हमने तो बॉर्डर टूरिज्म बनाया, चामलियाल में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के पिलग्रिम सेंटर बना दिए, सुचेतगढ़ में हम लोगों ने बना दिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बना दी, सर्कल माता सकराला माता में बोर्ड बना दिए ताकि वहाँ का व्यवस्था ठीक हो पाए, भक्तजनों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये तो लंगरों में टैक्स लगा गए आपके सामने, लंगरों को भी टैक्स लगने, तो ये चीज़ें पहले बाहर थी, कहीं ना कहीं पे ये इंसाफ नहीं कर पाए, और मैं समझता हूँ कि जो इनके खोखले दावे थे कि हम आते ही ज़रूर जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मल करेंगे, कहीं पे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। आज भी जम्मू शहर में देखो बड़े बड़े अस्पतालों की बिल्डिंगें कांग्रेस के दौर पर शुरू की, बड़ा बड़ा असेंबली कम्प्लेक्स कांग्रेस के दौर पर शुरू हुआ, ये बाकी सारी चीज़ें जो थी कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने जितनी दिलचस्पी ली, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, 649 यूनिट बना के हर जगह पे तहसीलदार SDM उसके आगे ये बढ़ा नहीं पाए, और रजौरी जैसी जगह पे भी एडिशनल DC की पोस्ट क्रिएट के लोगों को जासा दे गए, तो ये चीज़ें थी जिसके माध्यम से बेरोजगार नौजवान जो 2 करोड़ के नौकरियों के जासे में आ गया उनके जख्मों में के नमक छिड़ा, रिफ्यूजी आदमी जो 30 लाख डिमांड एक्सपेक्ट करते थे कि वन टाइम सेटलमेंट में, मनमोहन सिंह जी जो 25 लाख देना चाहते थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30 लाख की घोषणा की, लेकिन इन्होंने तो 5.5 लाख दे दिया, आज रिफ्यूजी घर से निकला है इस चीज़ के लिए कि रमन भल्ला उनका हमदर्द होने के नाते उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा और हमारा साथ देगा। बहुत शुक्रिया जी की अपडेट रहे हमारे साथ।
अपडेट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया हाउस इन J&K विद 1.5 करोड़ मंथली व्यूज. JK अपडेट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइज योर ब्रांड्स एंड सर्विसेज. इफ यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर. मिस्टर सुशील शर्मा 7051091804.